आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आप लोगों का काफ़ी डाउट आ रहा था कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, जो मैं सेफ जोन में हूँ कितना स्कोर पे आप सेफ होगा, या फिर कितना स्कोर जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। सो मैं आपको कुछ सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। अगर आपको उतने मार्क्स आना है तो आपका अच्छा से आप ये मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है एंड आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा अगर आप उससे ज़्यादा आपका स्कोर आ रहा है। सो आज के वीडियो में सारी चीज़ें बातें करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो अगर टेस्ट सीरीज़ अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पे अभी कोड अपना यूज़ करेंगे Genuine50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो परीक्षा ऐप पर जाके आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात करते हैं अगर स्कोर की, आपका कितना स्कोर आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स ग्रुप की, क्योंकि एक्स एंड वाई ग्रुप दो होते हैं तो आप सबको पता होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप में अगर आप परीक्षा ऐप पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और अगर आपका स्कोर 41+ आ रहा है, अगर 41+ है तो आप ये मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। अगर आपका स्कोर 45+ है तो आप ये मान के चलिए 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपका 45+ स्कोर जा रहा है। लेकिन हाँ, आप ये मान के चलिए जो 35-40 वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी 35-40 के बीच स्कोर आ रहा है, वो लोग एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उन्हें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी वो लोग भी रेस में हैं। 5 से भी अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत वाली बात है, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो आप गेस कर सकते हैं आपका स्कोर कितना जा रहा है परीक्षा ऐप पे। ये तो हो गया आपका एक्स ग्रुप का कि आप 5+ वाले एकदम सेफ हैं, 41+ वाले अच्छी कंडीशन पे हैं एंड 35-40 वाले एवरेज हैं। बिलो 35 काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करें अच्छे से। अब बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है हमारा वाई ग्रुप, क्योंकि वाई ग्रुप की प्रिपरेशन इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो वाई ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा था कि कितना सेफ स्कोर है। सो अगर आप वाई ग्रुप में भी बात करें तो वाई ग्रुप में अगर आपका 40 स्कोर आ रहा है, मतलब कि 40+ जाए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपका 40 तक आ रहा है तो ये मान के चलिए आपका अच्छी कंडीशन पे हैं। और अगेन फिर से मैं बात करूँ तो 42+ जा रहा है तो आपका ये मान के चलिए 100% आपका मेरिट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि वाई ग्रुप की कट ऑफ इनिशियली तो थोड़ा सा कम जाती है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जाती है वाई ग्रुप की वो थोड़ा सा ज़्यादा चली जाती है मेरिट में। इनिशियल कट ऑफ तो थोड़ी सी कम जाती है, सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका वाई ग्रुप का कि आपका फाइनल जो अगर आप सेफ जोन में हैं, 42+ हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। 40 तक अगर आपका स्कोर जा रहा है तो भी आप अच्छे हैं। अगर आपका स्कोर 33-36 के बीच है तो आप ये मान के चलिए आप इतनी ख़राब कंडीशन पे नहीं, आप एवरेज स्टूडेंट्स में आ रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है आप, जिससे आपका स्कोर 38+ जाए। 38+ अगर आपका स्कोर जाने लगेगा तो आप अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे, एग्ज़ाम आराम से आपका क्रैक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो आई थिंक मैंने एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों का बहुत क्लियर कर दिया आपको, क्या क्या प्रिपरेशन हो सकती है एंड कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है जो भी है। सो आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinebank, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, आप मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।